हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर। दरअसल बांग्लादेश में जो भारत की एम्बेसी है उसने बांग्लादेश में रह रहे भारत के सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जिस तरह से भारत में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण है, सेम उसी तरह से बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आरक्षण है। 100 में से 44% जॉब्स ओपन कैटेगरी की हैं, जबकि 56% जॉब्स बांग्लादेश के अंदर रिजर्व कैटेगरी की हैं। एंड इस 56% में से भी 30% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए है। यानी 1971 में जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था, 30% जॉब्स डायरेक्टली उनके बच्चों के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद 10% वुमेन्स यानी कि महिलाओं के लिए, जबकि अलग से 10% जॉब्स उन डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं जो कि बैकवर्ड है यानी कि जहाँ पर डेवलपमेंट कम है। केवल 5% माइनॉरिटीज और 1% जॉब्स बांग्लादेश में फिजिकल डिसेबिलिटीज यानी कि विकलांगों के लिए है। और ये बनता है कुल मिलाकर 56% का रिजर्व कोटा। इसी को लेकर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने वहां पर अचानक से प्रोटेस्ट करना काफी तेज कर दिया है और कहा है कि ये जो 56% रिजर्वेशन है इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। बांग्लादेश के छात्रों का कहना है कि स्पेशली जो 30% वाला कोटा है यानी कि जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है, सरकार उसका मिसयूज कर रही है और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के मेंबर्स के बच्चों को उसमें नौकरी दी जा रही है। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि केवल 6% रिजर्वेशन हो यानी कि 5% माइनॉरिटीज के लिए और 1% विकलांगों के लिए, और बाकी की 94% जॉब्स पूरी ओपन होनी चाहिए और मेरिट बेस्ड सिस्टम लागू होना चाहिए। इसी को लेकर बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में वहां पर स्टूडेंट्स काफी सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आंदोलन बांग्लादेश में इतना वायलेंट हो गया है कि अब तक वहां पर 28 स्टूडेंट्स की जान चली गई है और 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूलिंग पार्टी यानी कि अवामी लीग पार्टी नहीं चाहती है कि ये 30% वाला फ्रीडम फाइटर्स का कोटा बांग्लादेश के अंदर खत्म किया जाए। इसलिए अवामी लीग के कई सारे पार्टी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स की पिटाई करना अचानक से स्टार्ट कर दिया था। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने देश में इंटरनेट बंद कर दिया है, फोन कॉल्स और लैंडलाइन्स भी पूरी तरह से बंद है और वहां पर सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को अगले आदेश तक बंद रहने की गाइडलाइंस जारी की हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश में इस समय सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। इसी के चलते भारत की जो बांग्लादेश में एम्बेसी है उसने भी बांग्लादेश में प्रेजेंट भारत के नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करके कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत की एम्बेसी ने इंडियन से कहा है कि वो अपने घर या फिर होटल के रूम से बाहर ना निकलें और अगर कोई भी परेशानी होती है तो 4 हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, उनके ऊपर कॉल करने के लिए कहा गया है। वैसे गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, हाँ या फिर ना? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के मिसाइल टेस्ट को लेकर। दरअसल भारत की सरकार ने मिसाइल टेस्ट को लेकर एक नया नोटाम जारी किया है। नोटाम का रीजन बे बंगाल में है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जो मार्क्ड एरिया है ये 940 किलोमीटर लंबा है। नोटाम के अकॉर्डिंग भारत 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच यहाँ पर कभी भी मिसाइल टेस्ट कर सकता है। इसलिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इस पूरे रीजन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। एरिया में 2 चाइनीज रिसर्च वेसल्स थे जो कि मालदीव्स की ओर आगे चले गए हैं। इसलिए भारत ने नया नोटिस टू एमएन जारी किया है। इससे पहले डेट्स को 17 जुलाई से 24 जुलाई तक कर दिया गया था यानी कि आगे बढ़ा दिया गया था। फिर जब चाइनीज रिसर्च वेसल्स यहां से चले गए हैं तो डेट को अचानक से पीछे करके 20 जुलाई कर दिया गया है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान की सरकार सोशल मीडिया के ऊपर अब एक के बाद एक बैन लगा रही है। 6 महीने पहले पाकिस्तान की सरकार ने देश में ट्विटर यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था और अब ट्विटर पर बैन को 6 महीने पूरे होने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने देश में फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी बैन करने का फैसला किया है। वैसे तो पाकिस्तान में अभी भी कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है, ना ही वहां पर कोई इलेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन काफी तेज कर रही है। और हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने बेशक ट्विटर यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन आज भी पाकिस्तान की सरकार और खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्विटर के ऊपर लगातार ट्वीट करते रहते हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार मालदीव्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रीडेवलपमेंट कर रही है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग भारत सरकार ने की है। मालदीव्स के हिना मादो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रीडेवलपमेंट की कॉस्ट $140 मिलियन है, $140 मिलियन है, और इसमें नए टर्मिनल्स, नई बिल्डिंग और रनवे को एक्सटेंड किया जा रहा है और इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद यहां पर बड़े प्लेन्स भी लैंड हो पाएंगे और ये एयरपोर्ट सालाना 1,30,00,000 पैसेंजर्स को हैंडल करने में सक्षम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी पिछले साल 2023 के जनवरी में और ये अगले साल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि ये प्रोजेक्ट एक इंडियन कंपनी को मिला है। प्रोजेक्ट का 67% काम पिछले कल तक कंप्लीट हो गया है। मालदीव्स के सिविल एविएशन मिनिस्टर मोहम्मद आमीन और मालदीव्स में भारत के एम्बेसडर मुनु महावर
इन दोनों ने पिछले कल कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाकर वहां पर इस प्रोजेक्ट के काम की पूरी इंस्पेक्शन की। भारत के एम्बेसडर ने कहा कि मालदीव्स की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत की सरकार इसी तरह से आगे भी मालदीव्स की मदद करते रहेगी। ये प्रोजेक्ट मालदीव्स की पिछली सरकार के दौरान स्टार्ट हुआ था, लेकिन मोहम्मद मिजू की गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों देशों के संबंध बुरी तरह से खराब होने के बावजूद भारत ने मालदीव्स को इस प्रोजेक्ट की फंडिंग अभी भी जारी रखी है और इसका काम पूरी तेजी से कम्प्लीट किया जा रहा है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है लक्षद्वीप आइलैंड्स को लेकर। दरअसल पिछले कल भारत ने अरेबियन सी, मालदीव्स के आसपास के रीजन और लक्षद्वीप आइलैंड्स के ऊपर अपनी सैन्य पकड़ को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है, जिसके तहत लक्षद्वीप आइलैंड्स के अगाती आइलैंड के ऊपर जो अभी की ए स्ट्रिप है उसको और भी लंबा किया जाएगा, यानी कि एक्सटेंड करके उसको बड़ा बनाया जाएगा। इसके साथ ही मिनिकॉय आइलैंड्स के ऊपर एक नई ए स्ट्रिप और पूरा एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और ये दोनों ही ड्यूल पर्पज ए स्ट्रिप्स होंगी, यानी कि यहाँ पर फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के साथ साथ कमर्शियल प्लेन्स के ऑपरेशंस भी प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज कर पाएंगी। भारत की सरकार के इस फैसले के बाद अब इन दोनों एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़े साइज के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सिविलियन प्लेन्स भी यहाँ पर आसानी से लैंड हो सकेंगे। आज की सिक्स अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी रशिया के दौरे के ऊपर गए थे, उसको लेकर अमेरिका, यूरोप और इवन यूक्रेन ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी की काफी आलोचना की थी। इसी पर अब रशिया ने भारत को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है और रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लावरो ने भारत के पक्ष में एक स्टेटमेंट जारी की है। रशियन विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया की एक ग्रेट पावर है, यानी कि एक महान शक्ति है, और बिना किसी प्रेशर के भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्रीय हितों को खुद ही निर्धारित करता है। भारत खुद ही अपने पार्टनर्स को चुनता है, और जो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं वो पूरी तरह से अनुचित है और उनको भारत को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आज की सेवंथ अपडेट आ रही है मॉरिशियस और भारत के जन औषधि केंद्र को लेकर। आपको याद होगा भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र की शुरुआत की थी, यानी वो मेडिसिन शॉप्स जहां पर सस्ती और कम दाम वाली जेनरिक मेडिसिन बेची जाती हैं। यहां पर कई सारी दवाइयां तो मार्केट में बाकी कंपनीज की दवाइयों के मुकाबले 80-90% तक सस्ती होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 9000 जन औषधि केंद्र हैं और बड़ी जल्द इनकी संख्या 10,000 के पार करने का टारगेट है। अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने विदेशों में भी जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है और भारत से बाहर जन औषधि केंद्र वाला पहला देश बन गया है मॉरिशियस। पिछले कल हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर मॉरिशियस के विजिट से भारत वापस आए और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत वापस आने से पहले उन्होंने मॉरिशियस में जन औषधि केंद्र का एक उद्घाटन किया था, जो कि भारत की सरकार की मदद से मॉरिशियस के अंदर चलाया जाएगा, और अब मॉरिशियस के लोगों को भी वहां पर काफी सस्ते दामों के ऊपर जेनेरिक और अफोर्डेबल मेडिसिन मिल पाएंगी। आई होप कि यूपीआई की तरह भारत सरकार जन औषधि केंद्र को भी दुनिया के बाकी देशों में भी फैलाए। सस्ती मेडिसिन मिलने से दूसरे देशों में भारत की सॉफ्ट पावर और बढ़ेगी। आज की 8th अपडेट आ रही है अमेरिका से। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यह ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। पिछले कुछ सालों से ब्रिटेन के अंदर वहां पर मुस्लिम इमिग्रेशन काफी तेजी से बढ़ी है और कई लोग तो सड़कों के ऊपर आकर मुस्लिम्स के लिए वहां पर शरिया कानून लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। इसी के ऊपर अब जेडी वांस ने कमेंट किया है। आपको याद दिला दूं कि जेडी वांस डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, यानी कि नेक्स्ट अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और उन्होंने ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान या ईरान नहीं बल्कि ब्रिटेन अब न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि परमाणु हथियारों वाला पहला इस्लामिक देश बन गया है। हालांकि जेडी वांस ने स्टेटमेंट थोड़े मजाक वाले अंदाज में दी थी, लेकिन इसको लेकर भी अब अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर जेडी वांस को इस्लामोफोबी कहा जा रहा है। वैसे ब्रिटेन से अगर इस तरह के विजुअल्स आएंगे तो ब्रिटेन को एक मुस्लिम देश ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। इवन कई सारी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी इस तरह के प्रदर्शन नहीं होते। आज की 9th अपडेट आ रही है नासा को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि नासा एजेंसी मून यानी कि चांद की सतह के ऊपर पानी की खोज करने के लिए एक लैंडर और रोवर भेजने का प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, और पिछले कल नासा ने कहा है कि फंडिंग की कमी के कारण अब वो इस प्रोजेक्ट को बीच में ही कैंसिल कर रहे हैं। नासा ने अभी तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर $450 मिलियन यानी कि 3,575 करोड़ रुपीस ऑलरेडी खर्च लिए थे, और अब इसमें लॉन्च कॉस्ट भी शामिल नहीं है। इस मिशन के ऊपर टेस्टिंग में ही खर्चा काफी ज्यादा हो गया था, इसलिए नासा ने इस मिशन को बीच में ही कैंसिल करने का फैसला किया है। अब आप सोचेगी यहाँ पर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक मून मिशन के ऊपर 3,575 करोड़ रुपीस खर्च भी कर लिए थे और उसको कंप्लीट किए बिना ही बीच में ही कैंसिल कर दिया है, जबकि भारत ने जो मून मिशन किया था उसका कंप्लीट खर्चा था 613 करोड़ रुपीस, और वो भी कंप्लीट लॉन्चिंग कॉस्ट के साथ। सच में हमें गर्व होना चाहिए इसरो और अपने देश के साइंटिस्ट के ऊपर। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत के स्टॉक मार्केट और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि पिछले कल के ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स ने 81,000 के मार्क को क्रॉस कर लिया है, और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके साथ ही निफ्टी ने भी 24,800 के मार्क को क्रॉस करके 25,000 के काफी क्लोज क्लोजिंग दी है। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले साल 2025 के मार्च महीने तक सेंसेक्स 1,00,000 के मार्क को क्रॉस कर लेगा और निफ्टी
30,000 के पार चले जाएगा। और सेंसेक्स और निफ्टी के इतनी तेजी से बढ़ने के पीछे का कारण है फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत की मार्केट में खुलकर निवेश कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।